इन दिनों आजम खान का नाम काफ़ी चर्चाओं में है, लेकिन इस बीच यूनिवर्सिटी मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। इसके खिलाफ एक्शन लेते हुए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं, वो जेल में बंद हैं। रामपुर के SP रहते हुए अशोक शुक्ला ने उन्हें एक केस में बचाने की कोशिश की। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई। शुरुआती जांच के बाद अब उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश हो गए हैं। अशोक शुक्ला अभी CBCID के DIG हैं। जांच की जिम्मेदारी अलीगढ़ की कमिश्नर चैत्रावी और विजिलेंस विभाग IG मंजिल सैनी को दी गई है। दरअसल मामला मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के अंतर्गत आने वाली भूमि का है, जो कि इमामुद्दीन कुरैशी पुत्र बदरुद्दीन कुरैशी के नाम दर्ज थी। इमामुद्दीन कुरैशी 1947 से 1948 में भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। ये संपत्ति शत्रु संपत्ति के रूप में सन 2006 में भारत सरकार के कस्टोडियन विभाग के अंतर्गत दर्ज कर ली गई। वहीं रिकॉर्ड की जांच करने पर यह मामला प्रकाश में आया कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में जालसाजी कर शत्रु संपत्ति को खुर्द बुर्द करने के लिए आफाक अहमद का नाम गलत तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में अहमद का नाम अंकित किया गया था। रिकॉर्ड के पन्ने फटे हुए पाए गए। फर्जी प्रविष्टियां प्रकाश में आने पर सन 2020 में यह मुकदमा थाना सिविल लाइंस में दर्ज कराया गया, जिसकी विवेचना के दौरान 2023 में विवेचक इंस्पेक्टर गजेंद्र त्यागी ने हल्का लेखपाल के बयानों के आधार पर मोहम्मद आजम खान का नाम आरोपियों में शामिल कर दिया था। हालांकि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने आदेश पत्रांक रीडर SP 2023 के द्वारा गजेंद्र त्यागी से विवेचना हटाकर अपराध शाखा में हस्तांतरित करते हुए इंस्पेक्टर श्रीकांत द्विवेदी को विवेचक बना दिया गया था। फिलहाल जांच चलती रही और जांच में ढिलाई भी बरती गई। जालसाजी की धारा 467 और 471 का विलोपन कर धाराओं को हल्का किया गया। इस मामले को लेकर शासन की गंभीरता तब बढ़ी जब CM योगी आदित्यनाथ तक ये मामला पहुंचा और उन्होंने एक्शन लेने का प्लान बनाया। आपको बता दें कि आदेश दिए जाने पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रामपुर अशोक शुक्ला की भूमि को संदिग्ध मानते हुए ये कड़ा कदम उठाया गया है। इस मामले को लेकर शासन की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विवेचना बदलने के बाद चार्जशीट से आजम खान का नाम निकाले जाने और गंभीर धाराओं को कम किए जाने पर पुलिस अधीक्षक के स्तर से बड़े अधिकारी के संदिग्ध आचरण पर संज्ञान लेने में जरा भी संकोच नहीं किया गया और जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस जांच के घेरे में तत्कालीन SP रामपुर अशोक शुक्ला सहित पुलिस के अन्य अधिकारी भी हैं, जो कि सारा मामला अभिलेखी साक्ष्यों से जुड़ा है, तो इसलिए बच पाना आरोपियों के लिए मुश्किल है। फिलहाल आगे इस मामले में क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।